नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं दुखद खबर के साथ। मुंबई से दुखद खबर, जहां जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रतन टाटा। मुंबई में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हुआ। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके कुलाबा स्थित घर ले जाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे रतन टाटा और उनका निधन हो गया देर रात। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे रतन टाटा और मुंबई से ये खबर है, जहां उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली। 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे। 2 दिन पहले भी आईसीयू में भर्ती होने की खबर आई थी और उसके बाद लगातार उनका इलाज चल रहा था।